सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारत में सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन की सह स्थापना की। 1946 में जन्मी अरुणा दिल्ली में पली बढ़ी और 1968 से 1974 तक वह IAS में रही। उसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्य अनुसंधान केंद्र तिलोनिया राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों और शिल्प आधारित आजीविका पर काम किया। 1990 में अपने साथियों के साथ मिलकर अरुणा ने मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना की, जो भूमि अधिकारों, उचित मजदूरी और सूचना के अधिकार के लिए एक आंदोलन है। इस आंदोलन के काम के कारण भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया। 2000 में अरुणा को रामोन मैग्सेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में भी अरुणा सक्रिय रही। आज हम बातचीत पहले इससे शुरू करेंगे कि बचपन में उन्हें अहिंसा का परिचय सबसे पहले कैसे हुआ। और क्योंकि मैं दिल्ली में पली बढ़ी तो मेरे लिए अहिंसा शब्द और महात्मा गांधी और मेरे घर के अंदर बिल्कुल मारपीट के बगैर पलना, गुस्सा और मारपीट में फ़र्क देखना, अहिंसा शब्द वैसे हमारे जो वोकैबुलरी या लेक्सिकन है उसमें बचपन से रहा है। उसमें गांधी जी के जो सबसे बड़ा राजनीतिक तोहफा हमारे जैसे लोगों के लिए ये रहा कि उन्होंने हमें बड़े सरल तरीके से रास्ते बताए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रास्ता जो आजकल दुनिया में ज़्यादातर लोग और भारत में भी बहुलियत में लोग समझते हैं और मानते हैं वो है सिविल डिसोबीडियंस, मतलब आप अहिंसात्मक तरीकों से जन आंदोलनों के दौरान और उसके तरीके से और विरोध प्रतिष्ठित करके, बिल्कुल अहिंसा के बगैर विरोध प्रतिष्ठित करने के तरीके और उसके उसूल और नियम भी बता चुके हैं हमें, तो वो एक बना बना हमें एक तरीका मिला है और वो तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप संवैधानिक मूल्य चाहते हैं तो अपने आप सत्ता के खिलाफ तो नहीं है, आप सरकार जो उसका दुरुपयोग करती है उसके खिलाफ है। तो अंग्रेजी में दो शब्द यूज़ होता है, जो आप सत्ता के खिलाफ काम करते हैं उसको कानून सेडिशियस कहता है, मगर जब आप सरकार के संविधान के खिलाफ काम के विरोध करते हैं तो कैसे आप सत्ता के खिलाफ हैं? सत्ता तो संविधान है, तो आप तो सरकार के खिलाफ है और वो सरकार तो हमसे चुनी हुई 5 साल जाती है फिर निकल जाती है, उसको हम उसका लगाम हाथ में नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो वो सोच हमें उस तरफ ले जाते थे सकारात्मक रूप से कि एक समाज का संरचना कैसे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्रोध आना तो स्वाभाविक है, मगर एक पाबंदी समाज, परिवार और सत्ता तीनों बांधता है। आज हमारे देश में परिवार के अंदर पता नहीं किस हद तक इसको स्वीकार किया जाता है, मगर समाज और सरकार स्पष्टीकरण देने लग गई है कि इस किस्म के लोगों को करो तो कोई बात नहीं, इस किस्म को लोगों को करो तो नहीं, कोई तो दंड मिलेगा। जब ये विभाजन आ गया है, जब अन्याय के को न्याय स्थापित करने के लिए कुतर्क इस्तेमाल किया जाता है तो फिर पूरा समाज नष्ट होगा। क्योंकि आज वो कुतर्क आप सोच रहे हैं कि आपके नियंत्रण में है, एक दिन वो नियंत्रण आपके फायदे में है, आपके लिए है, आपका भला होगा, मगर एक दिन वही तरीका हमें खा जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस इज नॉट द प्रॉब्लम, सिविल ओबीडियंस इज द प्रॉब्लम। और ये सारा ये जो युवा पीढ़ी ने हमें इतना बिल्कुल सुंदर तरीके से समझा दिया है कि द प्रॉब्लम इज नॉट सिविल डिसोबीडियंस बट सिविल ओबीडियंस। जब आप आंख मीच के जो सरकार कहती है उसको सही मान लेते हैं, वहीं पे परेशानी शुरू होता है। मेरे सामने युवा आते हैं तो मैं दो किस्से सुनाती हूँ। एक तो जब मैं IAS में थी और पुलिस के पीछे खड़ी रहती थी, और उन ज़माने में खैर ये इतने सारे आर्म्ड पुलिस नहीं होते थे, फिर भी टियर गैस तो होता था और कुछ लोग गन के साथ ही खड़े रहते थे, कुछ ज़्यादातर अनआर्म्ड होते थे, मगर वो बैम्बू शील्ड और लाठी तो होता ही था हाथ में। और मैं उनके पीछे खड़े होके मैं ऑर्डर देती तो वो चार्ज करके किसी को भी पीट देते।
और सामने लोग बैठे रहते थे जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो तब मैंने कुछ महसूस किया, और कुछ ही दिन बाद मैं उन लोगों के बीच में बैठी जो सामने बैठे हुए हैं, और मैं मांग करने गई तो मेरे सामने तब तक तो बंदूक आ गया था, अब वो बेयोनेट भी था उसमें, वो लोग खड़े रहते थे। और एक दो बार जैसे भंवरी देवी का जब रेप के खिलाफ हम लोग गए, हमने कॉर्डन भी तोड़ा, तो कब मेरे में ज़्यादा हिम्मत चाहिए था जब मैं बिना कोई हाथ में लिए हुए मैं उन पुलिसों सामना की, या जब मैं एक सुरक्षित जगह पीछे खड़े होके पुलिस को मैं फायरिंग का ऑर्डर दे सकती थी। तो मैं बहुत लोगों को पूछती हूँ, कई लोग कहते हैं जब आप हाथ में कुछ नहीं और ऐसे पुलिस के सामने खड़े रहे जिनके हाथ में हथियार थे, तो आप ही बताइए इसको कौन कह सकता है कि ये नपुंसक है, कौन कह सकता है कि ये कायरों का दुनिया है, ये वीरों का दुनिया है, जब आप अहिंसात्मक तरीके से खड़े होके न्याय के लिए बोलते, ये जानते हुए कि हमारा जान जा सकता है।